वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। ठीक है, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उस वो फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बात हमें चेक करनी है। ठीक है, हिंदी में बात करें, एफ के सभी असतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब जो कि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, फंक्शन जो एफ एक्स दे रखा है वो 2x+3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी जब एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तब फंक्शन ए है, और जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है तब फंक्शन ए है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है ए फंक्शन जो है किन किन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई नंबर के मान लेंगे। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपको, अगर कोई नंबर के हमने माना है तो हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है फंक्शन ब्रेक किया हुआ है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर 2 से छोटी है तो फंक्शन ए है, और 2 से बड़ी है तो फंक्शन ए है। इसका मतलब जो के की 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, पहली पॉसिबिलिटी के की वैल्यू 2 से छोटी लेस देन 2, दूसरी के इक्वल टू 2, और तीसरी के ग्रेटर देन 2। यानी के की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है, के की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है, या के की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है। हमने यहाँ एक नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है के इक्वल टू 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिया है के लेस देन 2, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होंगी वो के 2 से छोटी होंगी, और राइट हैंड साइड में के ग्रेटर देन 2, यानी इसके राइट में जो वैल्यू होंगी वो 2 से बड़ी होंगी। जैसे के बराबर 2 है तो इसके आगे 3, 4, 5। ठीक है, और इसके लेफ्ट में 1, 0, -1, तो जब के की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो फंक्शन कितना होगा, तो फंक्शन 2x+3, और जब के की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन 2x-3 होगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 केस बनाएंगे। पहला केस, इफ के लेस देन 2, जब के की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा 2x+3। ठीक है, इसका मतलब एफ के जो हो जाएगा वो 2k+3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल कर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या, जैसे हम k से लेस देन 2 में पॉइंट -1 ले लें तो -1 के हम लेफ्ट में देखेंगे या फिर राइट में देखेंगे, हर बार फंक्शन यही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकाल के डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू k ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है 2x+3, उसमें के पुट करेंगे जिससे हमें मिल जाएगा 2k+3। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू के पर तीनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर स्मॉलर देन 2, यानी 2 से छोटे जितने नंबर्स हैं सबके लिए ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं जब k की वैल्यू 2k इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि पॉइंट 2 पर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। जब 2k लेफ्ट में जाते हैं तो फंक्शन a होगा, राइट में जाते हैं तो फंक्शन a होगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम फर्स्ट केस में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस, k की वैल्यू 2 है, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ 2 माइनस h। ठीक है, f ऑफ 2 माइनस h मतलब वैल्यू जो है 2 से कैसी है, लेस है। जब वैल्यू 2 से लेस है तो हमारा जो फंक्शन यूज होगा वो होगा 2x+3, यानी ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 x की जगह पर 2 माइनस h प्लस 3, इसको हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें एल एच एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी, 7। अब निकालेंगे हम आर एच एल, आर एच एल में आएगा फंक्शन आप 2+h, यानी 2 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी जो वैल्यू x की है वो 2 से बड़ी है, जब 2 से बड़ी है तो फंक्शन है हमारा 2x-3, तो 2x-3, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें जो आर एच एल मिलेगा वो 1 मिलेगा। यहाँ एल एच एल और आर एच एल दोनों डिफरेंट हैं,
इसका मतलब x बराबर 2 पे जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसकी जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी तो फंक्शन क्या होगा, 2x-3, इससे हमारा जो एफ के होगा वो भी 2k-3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकाल के डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू k ऑफ 2x-3। क्यों, क्योंकि जब k की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो फंक्शन 2x-3 होगा, इसकी लिमिट इसमें पुट करेंगे जिससे हमें 2k-3 मिल जाएगा। इस प्रकार लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा जो फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा। और हमें यहाँ चेक करना था डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब किस किन किन पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हमें केवल और केवल एक पॉइंट मिला है, वो x बराबर 2 जिस पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ए है, मतलब ये होता है जब कोई फंक्शन जिन पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज करे उन्हीं पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। ठीक है, उनके अलावा सभी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, फंक्शन जो है पॉइंट 2 पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मतलब 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन होगा, 2 के राइट में ये फंक्शन होगा। ठीक है, इस तो हम केवल 2 पर चेक कर लें कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ हम a बराबर 2 लेंगे, इससे हम निकालेंगे LHL, LHL को सॉल्व करेंगे, जो आएगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2-h, यानी वैल्यू 2 से छोटी है x की, जब वैल्यू 2 से छोटी होगी तो फंक्शन होगा 2x प्लस 3, इसमें लिमिट पुट करेंगे जिससे हमें LHL की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। इसी प्रकार से हम RHL निकालेंगे, जब RHL निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तब फंक्शन होगा 2x-3, यानी 2x-3, इसमें लिमिट पुट करेंगे जिससे हमें RHL की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। इस प्रकार LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन है वो x बराबर 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है वो केवल 2 है। इस प्रकार हम जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उन पे भी केवल चेक करके पता कर सकते हैं कि फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।